तो भाई लोगों चैनल सब्सक्राइब करो और भाई को आगे बढ़ाओ और अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही देते रहो। थैंक यू गाइज। तो हेलो गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और मेरे यूट्यूब चैनल जय सिंह 773 में स्वागत है। और आप ये देख रहे हो कि मैंने रुमाल कर ढक रखी है, रुमाल इसलिए ढक रखी है कि जो सरसों के मच्छर होते हैं वो छोटे छोटे वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मुंह वगैरह में घुस रहे हैं, इसलिए मैंने ये लगा रखी है। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा मैं किसके घर आया हूँ। और आपने एक वीडियो देखा होगा जिसका जो मेरे भाई के पास जो डॉग है जिसका नाम स्वीटी है उसको भी दिखाऊंगा और भाई से भी मिलाता हूं आपको। और आसपास ये लोकेशन भी देख सकते हो आप। अगर ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है खाली। थैंक यू गाइज। इसके घर मिलने आए, और इसका खुद का चैनल है चेकआउट 07 के नाम से। हेलो गाइस, आपसे निवेदन है कि आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस भाई ने बोल दिया जो कुछ बोलना था, और आसपास की लोकेशन देख सकते हो आप। और अगर आपने बावड़ी भी देखी होगी तो यहाँ आसपास बावड़ी भी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे तो बने रहे वीडियो में। वो भी अपने घर लेके चल रहा है, घर जाते हैं और वहाँ घर वगैरह भी दिखाते हैं और स्वीटी से मिलाते हैं। थैंक यू गाइज। तो गाइज आपने बंदर वगैरह भी देख लिए रास्ते में, और भाई चल रहा है अपने साथ में, पता नहीं क्या लेके आया है, वो छुपा के चल रहा है, बंदरों को डाल रहा नहीं है, बोल रहा है स्वीटी को खिलाऊंगा। तो कोई बात नहीं, बंदरों को और कोई डाल देगा, इसके भरोसे थोड़ी बैठे हैं। वो छुपा के लेके जा रहा है, देखो गाइस आप देख सकते हो इसको, ये देखो सामने भी आप देख सकते हो और पहाड़ देख सकते हो कितना सुंदर है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप वादियों का लुक तो ले सकते हो कम से कम, इसके लिए तो वीडियो पूरा देख ही सकते हो। ये जो आप ये नदी देख रहे हो, ये नदी है, जब बरसात वगैरह आती है तो ये नदी ऊपर तक जहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ रोड तक, ये रोड है, यहाँ तो उफान मारती है, अभी खाली है, सूखी है और बहुत तांडव भी मचाती है, गाड़ी वगैरह सब बहा के ले जाती है। तो ये लोहागढ़ धाम के पास पड़ती है ये, अगर लोहागढ़ धाम आए हो तो आपको सब पता होगा। मच्छरों के बीच से आ गए घर पे, और ये भाई का घर है, ये घर वहाँ पे भी है लेकिन ये इनका पुराना है, मतलब बरसों पुराना है घर। ये स्वीटी तो गाइज आपने स्वीटी को देखा, स्वीटी कैसी लगी आपको? और भाई जा रहा पानी भरने, और ये नदी है जहाँ हम जा रहे हैं, पत्थर वगैरह आप देख सकते हो, ये नदी है वहाँ तक लास्ट तक जहाँ वीडियो में दिखाया था आपको, और ये सामने यहाँ से पानी लेने जा रहे हैं। तो पानी की भी समस्या है घर में, बहुत कम पानी आता है पहाड़ों वगैरह की वजह से। तो गाइज अंदर आ गए, ये देख सकते हो पानी, यहाँ पानी यहाँ से लेके जाना पड़ता है, और भाई स्वीटी के साथ मजाक कर रहा है। और ये धर्मशाला है, कोई भी लोहागढ़ आता है तीर्थ स्थल और कोई भी यात्री वगैरह है तो यहाँ विश्राम कर सकता है, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था की हुई है। कितनी शानदार लोकेशन है, लोकेशन का मज़ा लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दे, भाई को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, बने रहें।
तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हो मेरे मासूस हैं, और ये ऐसे इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास रेवड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा बकरी हैं, ये बकरियाँ चराते हैं, बहुत अच्छे हैं मेहरबानी सा। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसी का दूसरा भाग आप नेक्स्ट एपिसोड में देख लेना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया रहा, पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो आपको क्या पता चलेगा। और जो इसका अगला भाग आएगा उसमें आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, और जो मेरे भाई का घर है वो भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो नेक्स्ट भाग ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।